देहरादून में ओलंपियन मनीष रावत इंस्पेक्टर बन गए हैं। मनीष को मिला है पहला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। सीएम आवास पर मनीष रावत को इंस्पेक्टर बनाया गया। डीजीपी एमए गणपति ने स्टार लगाकर उनको प्रमोट किया। मुख्यमंत्री ने मनीष रावत को 5 लाख का चेक भी सौंपा है। ओलंपिक में मनीष ने 20 किलोमीटर की वॉकिंग रेस में हिस्सा लिया था। मनीष रावत को रियो ओलंपिक में 13वां स्थान मिला था। जनपद चमोली के सगर गांव के रहने वाले हैं मनीष। ओलंपियन मनीष का चमोली में भी जोरदार स्वागत हुआ। तो मनीष रावत बन गए हैं इंस्पेक्टर मनीष रावत। तो रियो ओलंपिक की वॉकिंग रेस में 20 किलोमीटर की जो वॉकिंग रेस थी उसमें हिस्सा लिया था मनीष रावत ने। और फिलहाल उनको यहां पर प्रमोट किया गया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया मनीष रावत को। और अब मनीष रावत प्रमोट होकर यहां पर इंस्पेक्टर बन गए। मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद इस मौके पर मौजूद थे। तो चमोली के सगर गाँव के रहने वाले हैं मनीष, जो अब इंस्पेक्टर मनीष रावत बन चुके हैं। ओलंपियन मनीष रावत की उपलब्धियां बहुत हैं। ओलंपिक में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अब मनीष इंस्पेक्टर बन रहे हैं। मनीष किस तरह देखते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण पल है आपके लिए। जी, मैं पहली बार हमारे विभाग ने जो मुझे सहयोग दिया, और मैं सबसे पहले अपने डीजीपी सर इनका थैंक यू कहूँगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी को डायरेक्ट इंस्पेक्टर पद मिल रहा है। आने वालों के लिए, एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा अवसर है अब प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि अब पदोन्नति मिल रही है तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये स्टार्स जो हैं वो कितनी जिम्मेदारी आपके अंदर और भरते हैं, और स्टार नहीं थे उससे पहले, आप 13वें पोजीशन पे थे, लगता है अब स्टार लगने के बाद पहले पोजीशन में जरूर आएंगे। जी, जब कुछ नहीं था तब हमने किया और अब हमको उपलब्धि मिल गई है और हमें एक पद दे दिया गया। अब तो और डबल मेरे पास शायद और ज्यादा मेहनत की जरूरत है मुझे, और मुझे दिखाना है कि जो मेरा 13 है उसको 3 या 1 करना है। मनीष, एक सबसे बड़ी बात है कि अब आपका गोल क्या है, कि कौन सा, क्या ओलंपिक में अगला जो ओलंपिक होगा उसके लिए आप लोग आप तैयारी करेंगे, या तमाम चीजें जो भी होंगी जितनी प्रतियोगिता हैं, किन किन प्रतियोगिताओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जी, अभी तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद और एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक। सबसे मेन मेरा एशियन कॉमनवेल्थ गेम आने वाले जो है, इनमें अपने देश को पदक दिलाना है, अपनी पुलिस विभाग को सबसे मेन मोटो में रही। तो यानी अगले ओलंपिक के लिए भी एक ध्येय आपने रखा हुआ है? जी, वही परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हुए एशियन गेम, कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की। आप रियो में जब आपने प्रतियोगिता में भाग लिया था तब आपको लगता था कि इतने सारे प्रतियोगियों में आप 13वें नंबर पर आएंगे? जी, छोटा तो कॉम्पिटिशन था नहीं, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा सपोर्ट था, लोग कहीं ना कहीं मतलब सोचे थे कि मतलब बहुत अच्छा करेगा, और मैं जिस तरह से तैयारी करके गया था, मैं अपना यही मोटो रखा था कि मैं बेस्ट 10 में फाइट करूंगा, क्योंकि बेस्ट 10 में फाइट करना मतलब अच्छे एथलीटों के साथ फाइट करना, और मैं किया जितना मैंने कोशिश किया मैं, और मैं बेस्ट 13 में आया। मैं बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की, क्योंकि मैं बहुत सारे एथलीट्स हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप और इनको बीट करके आया हूँ, मुझे इस बात का बहुत खुश हुआ। तो ये थे मनीष, जो काफ़ी कुछ उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, अगले ओलंपिक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तमाम जो प्रतियोगिताएं होंगी उसमें भी मेडल लेने की कोशिश करेंगे, और आज सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर बन चुके हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज कुमार, देहरादून, समाचार प्लस। तो जो मनोज के प्रदर्शन की वजह से उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है, इससे मनीष रावत की माँ भी काफी खुश है। क्या कुछ कहना है मनीष की माँ का, सुनाते हैं। को बहुत खुशी हुई, ओलंपिक में गया जब मेरा बेटा, और वहाँ से 13 नंबर पाया, बहुत खुशी हुई, आगे भी नाम कमाएगा और मेडल लेके आएगा आगे देश के लिए, भारत के लिए, इंडिया, उत्तराखंड के लिए। आज इंस्पेक्टर बन गया, हमको बहुत खुशी हो रही है और खुशी की बात है जो इंस्पेक्टर बन गया।